Welcome students, in this video we are doing footprints without feet. जी हाँ, lesson number 5. इस lesson के आज हम question और answers करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. So let's start the question and answers. ये रहा हमारा पहला question. How did the invisible man first become visible? किस प्रकार अदृश्य व्यक्ति पहली बार दृश्य में आता है, मतलब विजिबल होता है. वैसे तो हमने देखा कि फर्स्ट में ही उसके फुटप्रिंट्स हमें दिखाई देते हैं विजिबल होने के रूप में, परंतु जब वह एक स्टोर में घुसता है लंदन के और वहाँ पर कपड़े पहन लेता है और आराम करता है, और सुबह सुबह जब वहाँ के कर्मचारी उस सेंटर में पहुँच जाते हैं, तब उसे वह देख लेते हैं और वह भागना स्टार्ट कर देता है. इस प्रकार वह विजिबल होता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स? वह क्यों स्ट्रीट सड़कों पर इधर से उधर भटकता रहता है? इसका आंसर है, दो ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वाज अ लॉलेस पर्सन, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो मकान मालिक है उसे पसंद नहीं करते हैं. And in revenge, he set fire to the house. वह उसके मकान मालिक का घर भी जला देता है और वहाँ से अब बिना कपड़े के इधर उधर इनविजिबल होकर घूमना स्टार्ट कर देता है. Now let's see the next question. यह आपको पेज नंबर 28 में देखने को मिलेगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? श्रीमती हॉल एक्सेंट्रिक यानी यहाँ पर सनकी के रूप में साइंटिस्ट को क्यों समझती है? इसका आंसर यह है कि वह उसे सनकी के रूप में समझती है क्योंकि सबसे पहले तो उसकी अपीरेंस, मतलब उसका दिखावटीपन इस टाइप से दिखता है, और उसका जो फ्रेंडली नेचर नहीं होता है. वह बहुत चाहती है कि उसका फ्रेंड बने, लेकिन वह नहीं बनता है, और इस नेचर से वो थोड़ा सा अजीब लगता है, वह अकेलापन ही पसंद करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? स्टडी रूम में कौन सा घटना होती है? आंसर, जैसे कि हमने देखा था कहानी में, जो प्रीस्ट होता है उसके घर में स्टडी रूम में चोरी होती है और कुछ आवाज़ें आती हैं. वहाँ पर जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है, मगर वे सब वहाँ जाकर बहुत उत्सुक हो जाते हैं, आखिर वह आवाज़ और चोरी किसने की थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड एट द इन? जहाँ पर वो मिसेस हॉल रहती थी उस सराय में आकर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? और आंसर में हम पाते हैं, मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड वेंट इनटू द साइंटिस्ट रूम. जब वो साइंटिस्ट के रूम में जाते हैं और वे पाते हैं कि वहाँ पर साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि उसके कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, उसकी जो हैट है वो उड़ती हुई दिखाई देती है, चेयर भी से भी उनका बचाव होता है, मतलब चेयर भी इधर उधर सरकती है. तो ये थी वे घटनाएँ जो वहाँ पर घटित होती है. नाउ वील सी थिंक अबाउट इट, जो आपको पेज नंबर 31 पर देखने को मिलेगा. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. कमेंट, एक लॉलेस पर्सन था वो, मतलब कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था वो, तो इस पर हमें कुछ विचार बताने. आंसर हम लिख सकते हैं, ग्रिफिन वॉज नॉट बदर्ड इफ ही हैड हार्म्ड एनीबॉडी इन द फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट ही वांटेड. ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर बिकॉज द लैंडलॉर्ड ट्राई टू मेक हिम लीव. वैसे तो वो लॉलेस पर्सन था ही, वह अपने मकान मालिक का घर भी आग से जला देता है, वह कुछ रोबरीज भी करता है. इस प्रकार हम देखते हैं कि वह एक लॉलेस पर्सन था. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन को साइंटिस्ट के रूप में क्या मानते हैं? वास्तव में ग्रिफिन जो है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, वह ऐसी दवा का डिस्कवर करता है जिससे कि मेन जो है इनविजिबल हो जाता है, लेकिन वह इस दवा का उपयोग अपने
फायदे के लिए करता था, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता था, जबकि ग्रेट साइंटिस्ट जो है वो दूसरों की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। पर ग्रिफिन ने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा यह लेसन समाप्त होता है।